Hi, everyone, and welcome to Abhimanyu IAS. My name is Rohit Garcha, and this series is called To the Point. Abhimanyu IAS is a platform from where you can prepare for UPSC and various PCS examinations. It has more than 23 years of experience and more than 2200 selections since 1999. To the point, the our topic? Hai, that is science and tech based. There is an AI application, AI process called Alpha Fold, which predicts proteins' ke structure. Ko. अभी रिसेंटली सार्सकोव टू हमारा जो वायरस था कोरोना वायरस के जो अभी पैंडेमिक हुआ है फॉर मेकिंग वैक्सीन एंड ऑल हमको सबसे पहले प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है कि हाउ इट इट हैज फोल्डेड इट सेल्फ अमीनो एसिड जब जुड़े हैं तो वो कैसे फोल्ड हुए हैं उसको डिटरमाइन करना वॉज प्राइमरी तो आज हम उसी टॉपिक के ऊपर हल्की चर्चा करेंगे एक क्वेश्चन उससे रिलेटेड देखेंगे इसके अलावा इसके जो भी क्वेश्चन और बनते होंगे मैं बोलते बोलते डिस्कस करता रहूँगा इन द वीडियो एंड इफ यू विश टू कवर होलिस्टिकली करंट अफेयर्स को तो देर इज अज दैट इज गोइंग ऑन करंट अफेयर्स की बुथ इन ऑनलाइन एंड ऑफलाइन फॉर्म लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन आप चेक कर सकते हैं हाईली फ्लेक्सीबल एंड मेन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वहां पे डिटेल के अंदर जो आपके करंट अफेयर्स हैं वो वहां पे कवर हो जाएंगे मूविंग ऑन टू आज का टॉपिक इसका जो छोटा सा मैं आपको कॉन्टेक्सट प्रोवाइड कर देता हूँ कि डीप माइंड एक कंपनी है ओन्ड बाय गूगल जिसने ये अनाउंस किया कि उसने जो थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर है मोर देन टू हंड्रेड मिलियन प्रोटीन्स का उसने प्रोडिक्ट कर लिया यूजिंग एल्फाफोल्ड तो एल्फा फोल्ड एक एप्लीकेशन है जो कि डीप माइंड के पास है डीप माइंड इज ओनर सो वॉट इज एल्फा फोल्ड है ना थोड़ा उसको समझते हैं इट इज एन ए आई ए आई क्या होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ए आई बेस्ड प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रोडिक्शन टूल इट इज बेस्ड ऑन अ कंप्यूटर सिस्टम कॉल्ड डीप न्यूरल नेटवर्क अभी करता क्या है प्रेडिक्ट करता है स्ट्रक्चर्स फॉर प्लांट्स एनिमल्स बैक्टीरिया एंड अदर ऑर्गेनिजम्स इस स्टेटमेंट का यहाँ पे डालने का मकसद ये था कि इट इज नॉट लिमिटेड टू वायरस या इट इज नॉट लिमिटेड टू अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म अ वाइड रेंज ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर कवर्ड सो इन केस अ स्टेटमेंट कम जहाँ पे uh, थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग डाला हुआ है कि बैक्टीरिया को कवर करता है लेकिन वायरस को नहीं करता है तो वो स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी ये एरे ऑफ ऑर्गेनिजम्स को कवर करता है हमने जो नंबर देखा था 200 मिलियन के पास में तो इट कवर्स ऑलमोस्ट ऑल ऑर्गेनिज्म यहां पे उसने वही बात करी है कि ये अल्फा फोल्ड को क्या करेगा इट विल बी यूज इन फूड इनसिक्योरिटी को सस्टेनेबिलिटी को है ना नेग्लेक्टेड डिजीजेस को ट्रीट करने में तो उस तरीके से दिस इज समथिंग ऑफ अ मार्केटिंग स्टेटमेंट ये उन्हीं की स्टेटमेंट है हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वील मूव टूगेदर एल्फा फोल्ड रिवील्स हाउ कॉम्बिनेशन ऑफ अमीनो एसिड्स कम टूगेदर ये याद रखने वाली स्टेटमेंट है बिकॉज एल्फा फोल्ड के ऊपर अगर कोई फैक्चुअल uh, आएगा कि वॉट वाले क्वेश्चन आते हैं तो दिस इज द स्टेटमेंट जो उसका आंसर है इफ देर इज अ वट वाला क्वेश्चन अगर आता है तो दिस इज द स्टेटमेंट हाउ कम्बिनेशन ऑफ अमीनो एसिड्स कम टूगेदर एंड फोल्ड टू क्रिएट प्रोटीन स्ट्रक्चर दिस इज द स्टेटमेंट जो हमारे लिए गोल्डन स्टेटमेंट बनने वाली है जैसे मैंने आपको सार्स कोव टू का एग्जाम्पल दिया था कि उसके जो स्पाइक uh, हैं लेट अस सी उसके जो ये स्पाइक्स हैं इसके स्ट्रक्चर को डिटेक्ट करने के लिए जैसे है ना वो जस्ट इट इज जस्ट एन एग्जांपल सो उसके भी हैज प्रोटीन फोल्डिंग्स अमीनो एसिड से प्रोटीन बनता है उसके बाद उसकी फोल्डिंग्स होती है उसके जो स्पाइक्स हैं वो है दैट इज हाउ इट अटैचेज इन योर बॉडी है ना जब जहां पे वो अटैच कर रहा है उसके लिए जब जब जो हमने वैक्सीन उसकी बनानी है तो वी नीड टू नो दिस स्ट्रक्चर एज वेल सो so, उस कॉन्टेक्स्ट में करंट कॉन्टेक्स्ट में कि पेंडेमिक के बाद में जो चीज निकल के आई है और ऐसी एक टेक्नोलॉजी हमारे पास आई है सो so, उस कॉन्टेक्स्ट में ये जो चीज है एल्फा फोल्ड इट बिकम्स रेलिवेंट एंड इम्पॉर्टेंट दिस शेप इज सिग्निफिकेंट फॉर बायोलॉजिस्ट बिकॉज इट हेल्प्स डिजाइनिंग एंटीबॉडीज एंड थे डिजाइनिंग एंटीबॉडीज एंड थेटिक्स ये हमने उसके फंक्शन के अंदर समझ लिया है कि क्यों ये जो है हमारे लिए रेलिवेंट है और जरूरी है नो जब मैंने उसको बोला था कि ए uh, है जो उसको प्रिडिक्ट करता है कि स्ट्रक्चर कैसा होने वाला है नो दिस इज हाउ इट लुक्स ये एक एक्चुअली उन्हीं की वेबसाइट से जो है हमने uh, ये फोटोग्राफ जो है वो यूज करिए दिस इज हाउ द स्ट्रक्चर लुक्स लाइक ए ने इसको डेवलप किया है कि कहां पे फोल्ड है See, स्ट्रक्चर कैसे जा रहा है कहां पे स्ट्रिंग स्ट्रक्चर है और किस तरीके से है दिस इज वॉट दई प्रोडिक्स नाउ सिंपल क्वेश्चन इज एल्फा फोल्ड दी ओनली टूल फॉर प्रोडिक्टिंग प्रोटीन स्ट्रक्चर इसका आंसर है नो दिस इज नॉट द ओनली टूल है ना अब देखो स्टेटमेंट इससे कैसे दी गई है इज नाइदर फ्लॉलेस कि ये 100% एक्यूरेट भी नहीं है फ्लॉलेस नहीं है ये ओनली ए आई बेज है ना और भी है, इसका मतलब दूसरा जो है एक जो इसके साथ मिलता जुलता एक एप्लीकेशन जो है ए आई बेस मिली थी दैट इज दिस नाम आ गया है साथ में दूसरे वाला आ गया तो केस अगर फोल्ड फोल्ड वाला आपको सुनाई देता है कहीं पे क्वेश्चन में और आप देखते हैं कि यार स्टेटमेंट में है कि ये दिस 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 है ना सब में फोल्ड फोल्ड दिज एप्लीकेशन है ना और वॉट है ना तो उसका जो आंसर बनेगा दैट विल बी प्रोडिक्टोटीन स्ट्रक्चर या फिर प्रोडिक्ट एमिनो एसिड फोल्ड तो उसके ऊपर इसका आंसर बनेगा जो एक सिंपल सा क्वेश्चन फोल्ड एंड रोजेटा फोल्ड रिसेंटली इन न्यूज आर अ काइंड ऑफ वॉट जो मैं अभी आपसे बात कर रहा था सी अगेन टू द पॉइंट के अंदर जैसे हम बात करते हैं कि अगर आपने टू द पॉइंट के अंदर ये चीज पढ़ ली है तो इसके बाद तो आपके लिए क्वेश्चन जो है इट विल फॉल इन टू

जोग्राफी के अंदर सो टू एड टू योर कन्फ्यूजन तो इस टाइप का एक मतलब क्या नॉन सेंस ऑप्शन है बट अगेन इट इट इज मेकिंग समयल एक्सट्रैक्शन टेक्नोलॉजी अगेन हम ऑयल एक्सट्रैक्शन के ऊपर बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं डीप सी माइनिंग के ऊपर काम कर रहे हैं सो so, इस टाइप के ऑप्शन भी आपको देखने को मिलेंगे जस्ट टू कन्फ्यूज यू की यार सुना हुआ लग रहा है सो दीज आर द्वेश्चन डेट मेक यू चूज द रोंग वन सो ये फोर्सफुल रॉन्ग करवाते हैं आपसे जो कहते हैं ना कि यार आपके एटलीस्ट दस बारह तो गलत होने ही होने हैं तो उनमें से ये फॉल करता है ये एक क्योंकि हमने सुन भी रखा होता है और नहीं भी सुन रखा होता है विनोदी आंसर इस केस में इट इज प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रिडिक्शन टूल बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड टॉपिक था आज का थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो एंड स्टेट